हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंस व्हेन, मतलब कब से प्रश्न कैसे बनाएं। दोस्तों, कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैं फ्रॉम व्हेन से क्वेश्चन बनाना भी सिखा चुका हूं। फ्रॉम व्हेन जिसका मतलब भी होता है कब से, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क होता है, डिफरेंस होता है। फ्रॉम व्हेन नॉर्मल कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिंस व्हेन अब उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़ा अलग होता है। देखो, तुम कब से कॉलेज में हो, फ्रॉम व्हेन आर यू इन कॉलेज, ये बना सकता हूं। अब तुम कॉलेज में कब से पढ़ रहे हो, तो मुझे बनाना पड़ेगा सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इन द कॉलेज। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। तुमने कब से कोचिंग ज्वाइन की, फ्रॉम व्हेन डिड यू ज्वाइन कोचिंग। तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, सो सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। दोनों में फर्क क्या हुआ। दोस्तों, फ्रॉम व्हेन से क्वेश्चंस कैसे बनाए वो फ्रॉम व्हेन के वीडियो में आप सीख सकते हैं, लेकिन सिंस व्हेन ये कब से, इसका मीनिंग भी होता है लेकिन इसके क्वेश्चंस थोड़े से अलग बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस अलग कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं उसको मैं थोड़ा बताने वाला हूं। जैसे अगर आप देखें, वह कोचिंग कब से आता है, अगर मुझे ऐसा पूछना है तो बनाऊंगा मैं फ्रॉम व्हेन, वहां सिंस व्हेन नहीं लगाऊंगा। वह कोचिंग कब से आता है, सो फ्रॉम व्हेन डज ही कम टू कोचिंग। वह कब से जॉब कर रहा है, सो फ्रॉम व्हेन इज ही जॉबिंग। लेकिन अगर मुझे कोई टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता करना है, जैसे मम्मी सुबह से खाना बना रही है ना, सो मम्मी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। से सिंस के लिए लगा है ना, या सिंस से के लिए लगा, सो है मम्मी सुबह से खाना पका रही है तो मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये से सिंस के लिए लगा। जब हम कोई टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हैं, समय अवधि जानना चाहते हैं, तब हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग सिंस का यूज से के लिए करते हैं। जैसे मम्मी सुबह से खाना बना रही है, सो मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब इसी का हमको क्वेश्चन बनाना, मम्मी कब से खाना बना रही है, तो हम लोग यहां फ्रॉम व्हेन नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता करना चाहते, तो वहां लगाएंगे सिंस व्हेन। सो सिंस व्हेन हैज मदर बीन कुकिंग फूड। दोनों में फर्क हुआ। सिंस व्हेन तब लगाते हैं जब हम लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता करना हो, तभी सिंस व्हेन लगता है, फ्रॉम व्हेन वहां नहीं लगता। और जब नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल टाइम के बारे में पता करना हो, तब फ्रॉम व्हेन लगाते हैं। दोनों में कंडीशंस अलग अलग होती है। देखिए, सिंस व्हेन से प्रश्न कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं पहले। देखिए, सिंस व्हेन जिसका मतलब होता है कब से, ठीक है ना। अब सिंस व्हेन पहले इसको अलग करते हैं और फिर बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालते हैं। हैज ही बीन वर्किंग, हैज ही बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है, इसका मतलब भी तो वही हुआ ना। अगर इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं लगा है तो हम रहा रही रहे वाले सेंस में इसका मतलब निकालते हैं। हैज ही बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है। सिंस व्हेन कब से, वह काम कब से कर रहा है या वह कब से काम कर रहा है, दोनों मीनिंग होंगे उसके। आगे देखिए, सिंस व्हेन इसको अलग करते हैं। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सिंस व्हेन कब से, मैं इंग्लिश कब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जानना चाहता हूं मैं खुद के क्वेश्चन पूछकर। सिंस व्हेन इसको अलग करते हैं। हैड दे बीन अप्लाइंग फॉर जॉब, अब ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। हैड दे बीन अप्लाइंग फॉर जॉब, क्या वे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, क्या क्वेश्चन बना, क्या वे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। सिंस व्हेन लगा दो, कब से, वे जॉब के लिए अप्लाई कब से कर रहे थे। आगे देखिए, सिंस व्हेन हैज राम बीन एन इंजीनियर, Has Ram been, अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है दोस्तों, ये टू बी का ही एडवांस पैटर्न है। अगर आप लोगों ने वर्ब ऑफ टू बी पढ़ा हो, उसी का ये एडवांस पैटर्न है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस पर भी बात करने वाला हूं। Has Ram been an engineer, क्या राम इंजीनियर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। Has Ram been engineer, क्या राम इंजीनियर रहा है। Since when, राम इंजीनियर कब से रहा है या क्या राम इंजीनियर कब से है, ये दोनों तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। राम इंजीनियर कब से है या राम इंजीनियर कब से रहा है, ठीक। आगे देखिए, Since when इसको अलग करते हैं। Had your father been a government employee, Had your father been a government employee, अब इसमें भी देखिएगा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, मतलब टू बी का एडवांस पैटर्न है। Had your father been a government employee, क्या तुम्हारे पापा सरकारी कर्मचारी रहे थे या फिर क्या तुम्हारे पापा सरकारी कर्मचारी थे। Since when, कब से, तुम्हारे पापा सरकारी कर्मचारी कब से थे, ये इसका मतलब हुआ, ठीक। आगे, Since when have they been working hard, Since when, ठीक है। Have they been working hard, क्या वे मेहनत कर रहे थे,
कर रहे हैं, सॉरी हैव है ना, क्या वे मेहनत कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, हैव दे बीन वर्किंग हार्ड, क्या वे मेहनत कर रहे हैं, क्या वे मेहनत कर रहे हैं, सिंस व्हेन कब से, वे मेहनत कब से कर रहे हैं, आगे देखिए सिंस व्हेन, ठीक, हैज शी बीन कुकिंग फूड, पहले इसका मीनिंग निकालते हैं, हैज शी बीन कुकिंग फूड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, क्या वह खाना पका रही है, सिंस व्हेन कब से, वह खाना कब से पका रही है, आगे देखते हैं, सिंस व्हेन हैड यू बीन प्लकिंग फ्लावर्स, हैड यू बीन प्लकिंग फ्लावर्स, क्या वह फूल तोड़ रहा था, सॉरी क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, हेड है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है, क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, हैड यू बीन प्लकिंग फ्लावर्स, सिंस व्हेन कब से, तुम फूल कब से तोड़ रहे थे, ये इसका मतलब हुआ, टाइम ड्यूरेशन जानने के लिए क्वेश्चन, सिंस व्हेन इसको थोड़ा अलग करते हैं, हैज विराट कोहली बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ, क्या विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है, हैज विराट कोहली बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, सिंस व्हेन कब से, सो विराट कोहली कब से क्रिकेट खेल रहा है, आगे देखिए, सिंस व्हेन हैड विराट कोहली बीन कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अब हैड विराट कोहली बीन और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, मतलब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में से नहीं है, ये भी टू बी का एडवांस वर्जन है, वर्ब ऑफ टू बी का, सो हैड विराट कोहली बीन कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्या विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे थे, या क्या विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, ये दोनों मीनिंग निकल सकते हैं, सिंस व्हेन कब से, सो इंडियन विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कब से थे, ये भी बना सकते हो, या विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कब से रहे थे, तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि हम लोग सिंस व्हेन से क्वेश्चंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि सिंस व्हेन का मीनिंग कैसे निकाले, तो दोस्तों हमने यहां तो स्लाइड में समझा कि सिंस व्हेन को ट्रांसलेट कैसे कर ले, उसका मीनिंग कैसे समझ ले, आगे की स्लाइड में हम समझेंगे कि किसी से भी सडन बातचीत करना हो तो हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाए, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं सिंस व्हेन जिसका मतलब होता है कब से, अब कब से पहले हम हिंदी में क्वेश्चंस बनाते हैं, वह कब से खाना पका रही थी, वह कब से क्रिकेट खेल रहा है, तुम कब से डॉक्टर रहे हो, वह कब से मेरा इंतजार कर रही थी, तुम कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, वह कब से एक इंग्लिश टीचर रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कब से बना सकते हैं, लेकिन सिंस व्हेन का यूज हम वहीं पर करते हैं जब हम लोगों को एक डिसाइडेड या अनडिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता करना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मम्मी खाना कब से बना रही है, तो हम बनाएंगे क्या, अब ऐसा नहीं बनाएंगे कि मम्मी खाना कब से बना रही, तो उसके लिए क्या मम्मी खाना बना रही, तो इज मदर कुकिंग फूड, एक्चुअली सिंस हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर टू बी के कुछ एडवांस वर्जन जिसमें हैज हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन का यूज किया जाता है, सिर्फ वहीं पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं, तो अब जब वहां सिंस का यूज करते हैं तो सिंस के क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड बनेंगे, कैसे, देखो मम्मी कब से खाना पका रही है, तो पहले बनाओ क्या मम्मी खाना पका रही है, सो हैज मदर बीन कुकिंग फूड, Has mother been cooking food? क्या मम्मी खाना बना रही है, कब से, तो आप लगाएंगे since when, not from when, तो since when लगाएंगे ना, so since when has mother been cooking food, मम्मी कब से खाना पका रही है, अब पका रही है वह कब से जॉब कर रहा था, अगर मुझे ऐसा बनाना है तो बनाऊंगा क्या वह जॉब कर रहा था, had he been doing job, had he been doing job, कब से, since When? वह कब से जॉब कर रही, वह कब से जॉब कर रहा था, तीसरा देखो राम कब से डॉक्टर रहा है, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन बनाना है, यार राम डॉक्टर कब से है, मैं जानना चाहता हूं राम कितने सालों से डॉक्टर है, तो राम कब से डॉक्टर है, तो पहले क्या राम डॉक्टर है या क्या राम डॉक्टर रहा है, Has राम बीन अ डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर रहा है, कब से, तो लगा दो सिंस व्हेन, राम डॉक्टर कब से रहा है, आगे देखिए फोर्थ मोहन कब से गाना गा रहा है, अगर मुझे ऐसा बनाना है मोहन कब से गाना गा रहा है, तो पहले बनाऊंगा क्या मोहन गाना गा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, हैज मोहन बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैज मोहन बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मोहन गाना गा रहा है, कब से, तो लगा दो सिंस व्हेन, सो मोहन कब से गाना गा रहा है, ओके तुम्हारे पापा कब से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे हैं, मतलब तुम्हारे पापा एक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे थे, अब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे पापा कब से गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे थे,
या तुम्हारे पापा कब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अगर मुझे ऐसा बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, पहले बनाएंगे इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? सो हैड योर फादर, हैड योर फादर बीन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या तुम्हारे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे? सिंस वेन, कब से तुम्हारे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कब से रहे थे? आगे आप देखिएगा, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, अगर मुझे ऐसा बनाना है तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो, तो पहले बनाऊंगा क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश कब से? सिंस वेन, तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो? जैसे राम कब से मुझे सपोर्ट कर रहा था, या मैंने बोला अंकित मुझे कब से सपोर्ट कर रहा था, तो पहले कि अंकित मुझे सपोर्ट कर रहा था, सो हैड अंकित बीन सपोर्टिंग मी, हैड अंकित बीन सपोर्टिंग मी, हैड अंकित बीन सपोर्टिंग मी, कब से लगा लो, सिंस वैन, अंकित मुझे कब से सपोर्ट कर रहा था। जैसे तुम्हारी मम्मी कब से टीवी देख रही थी, तुम्हारी मम्मी कब से टीवी देख रही थी, पहले बनाओ क्या तुम्हारी मम्मी टीवी देख रही थी। हैड योर मदर बीन वॉचिंग टीवी, क्या तुम्हारी मम्मी टीवी देख रही थी, कब से लगा लेंगे हम लोग, सिंस वेन, कब से, सिंस वेन हैड योर मदर बीन वॉचिंग टीवी, तुम्हारी मम्मी कब से टीवी देख रही थी। तुम कब से एक टीचर हो, या तुम कब से एक टीचर रहे हो, बनाना है तो पहले बनाओ क्या तुम टीचर हो या क्या तुम टीचर रहे हो। सो हैव यू बीन अ टीचर, हैव यू बीन अ टीचर, क्या तुम टीचर रहे हो, क्या तुम टीचर हो, कब से, सिंस वेन, तुम टीचर कब से रहे हो। जैसे हम कब से मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, अगर मुझे ऐसा जानना है हम कब से मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या हम मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, हैव वी बीन ऑपरेटिंग मोबाइल, हैव वी बीन ऑपरेटिंग मोबाइल, अब मुझे जानना है कब से, तो लगा दूंगा सिंस वेन, क्या लगाया मैंने, सिंस वेन, तो हम कब से मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि सिंस वेन से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से भी हम लोगों को सडन क्वेश्चन पूछना है कम्युनिकेशन करते वक्त, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसकी मेथड क्या होगी। दोस्तों ये सबसे सिंपल टेक्निक बता रहा हूं जिसके माध्यम से कोई भी आसानी से WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं। आप इन वीडियोस को पूरा देखिए और जो जो मैं सेंटेंस के एग्जांपल्स ले रहा हूं इन एग्जांपल्स को ध्यान से सुनिए, देन कॉपी कलम लेकर उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जितना आप लिखकर और फिर बोलकर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप मास्टरी हासिल करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिंस वेन से प्रश्न बनाना आसानी से आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।